हेलो फ्रेंड, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही सुपर डुपर और इजी होने वाली है। तो आइए बात करते हैं डिस्पर्जन के बारे में। डिस्पर्जन फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, और जो हमारा सभी ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं उसमें हमारा सेंट्रल वैल्यू से कितना वैरी करता है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है सेंट्रल वैल्यू से कितना वैरी करता है उसी को बोलते हैं हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो आइए इसको एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ आपके पास कुछ वैल्यू दिए गए हैं, तो मान लीजिए आपके पास वैल्यू जो दिया गया है 2 है, 8 है और 2 है, ठीक है। आपके पास ये 3 वैल्यू दिए गए हैं, तो पहले इसका क्या करेंगे, आप अर्थमेटिक मीन्स निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन्स आपको फार्मूला पता होगा, आपने जब वीडियो देखा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अगर नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। तो इसका पहले अर्थमेटिक मीन्स निकाल देते हैं। अर्थमेटिक मीन्स का जो फार्मूला होता है, समीशन एक्स अपान, ठीक है, फिर से इसको लिख देते हैं, टू हमारा जो वैल्यू 282 है, ठीक है। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन्स निकालेंगे तो समीशन एक्स अपान एन, ठीक है, ये फार्मूला हमारा अर्थमेटिक मीन्स का, आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो क्या करेंगे, जो समीशन एक्स है, समीशन एक्स का मतलब इन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऐड करते हैं 2 + 8 + 2 अपन जो हमारा n है, n इक्वल टू जो हमारा नंबर, कितने नंबर दिए गए हैं, 1, 2, 3, 3 नंबर दिए गए हैं, अपान कर देंगे 3 कर देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 × 10 हो गया, 10 × 12, 12 अपान 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन्स जो है ये हमारा आएगा 4। अब जो हमारा अर्थमेटिक मीन्स निकला, ये हमारा सेंट्रल वैल्यू है। अब ये हमारा जो सेंट्रल वैल्यू है, ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ऑब्जर्वेशन से कितना जो है वैरी कर रहा है उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो देखिए 4 A2 जो कितना वैरी कर रहा है यहाँ पे, तो 4 - 2 करेंगे तो कितना वैरी कर रहा है, 2 वैरी कर रहा है। अगर 4 और 8 से कितना वैरी कर रहा है, तो 8 - 4 करेंगे तो कितना वैरी कर रहा है, ये हमारा 4 वेरिएशन इसमें आ रहा है। और इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, इसमें भी कितना वेरिएशन आ रहा है, 2 का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन आपको यही लिखना है कि हमारा जो जो ऑब्जर्वेशन में जो भी नंबर दिए गए हैं, जो भी वैल्यू दी गई है, वह हमारे सेंट्रल, जो सेंट्रल वैल्यू से कितना वैरी कर रहा है उसी को हम बोलते हैं हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है डिस्पर्जन मेजर द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वैरी फ्रॉम द सम सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। जो हमारा आइटम्स दिए गए हैं, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में जो भी वैल्यू दी गई है वह हमारे सेंट्रल वैल्यू से कितना वैरी कर रहा है उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू आप सेंट्रल जब टेंडेंसी पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था आप मीन्स पढ़े थे, मीडियन पढ़े थे, मोड पढ़े थे। तो हमारा जो सेंट्रल वैल्यू इसका मतलब यहाँ पे मीन्स, मीडियन और मोड होगा, ठीक है। आइए आपको दूसरे तरीके से इसकी डिफिनेशन आपको बताते हैं। तो दूसरे तरीके से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ डिफरेंस आर वेरिएशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन, जो हमारा ऑब्जर्वेशन दिया गया। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये हमारा दिया गया है, ये ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे जो सेंट्रल वैल्यू, जो हमारा यहाँ पे अर्थमेटिक मीन्स निकला है, ठीक है, इससे कितना वेरी कर रहा है उसी को हम बोलते हैं हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल भी बता दिया मैंने, जो हमारा ऑब्जर्वेशन दिया गया है पहले इसमें क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन्स को हम कैलकुलेट करेंगे। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है ये हमारा होता है समीशन एक्स अपान एन, समीशन एक्स का मतलब है टोटल इसी को ऐड कर देंगे और एन कितने नंबर है, 1, 2, 3 3 नंबर है, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा अर्थमेटिक मीन्स 5। तो अर्थमेटिक मीन्स जो हमारा ये हमारा क्या है, सेंट्रल वैल्यू है। सेंट्रल वैल्यू हमने बताया, सेंट्रल वैल्यू उसमें मीन मीडियन मोड आते हैं, ठीक है। जो हमारा सेंट्रल वैल्यू ये आया है, यह हमारा जो है, यह जो हमारा ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू दी गई है इससे कितना वैरी कर रहा है उसी को बोलते हैं हम डिस्पर्जन बोलते हैं। आई होप आपको अब फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो हमारा डिस्पर्जन होता है इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला इसका दूसरा नाम है स्कैटर,
स्कैटर का मतलब होता है फैलना, सेपरेट का मतलब फैलना, और वेरिएशन का मतलब होता है कितना भिन्नता, ठीक है, कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, तो इसका अलग अलग नाम जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आइए बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पर्जन, तो इसका क्या क्या यूजेस है। तो इसमें क्या करते हैं कि इट टेल अबाउट द रिलेबिलिटी ऑफ ए मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू, ये क्या करता है रिलेबिलिटी को हमें बताता है, ठीक है, जो रियल वैल्यू है उसके बारे में बताता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको अभी बताया है, तो वही चीज़ें यहीं पे लिखी गई हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो स्टैटिक हम पढ़ रहे हैं बायोस्टैटिक, तो इसमें इसका जो वैल्यू है, इसकी फील्ड जो है, इस फील्ड में इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस था। अब बात करते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, किस किस मेथड से हम डिस्पर्जन को मेजर करते हैं, तो हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो हमें जो जो पढ़ना अभी आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे दो मेथड, हमारा पहला एब्सोल्यूट मेजर से हम मेथड से हम मेजर करते हैं, दूसरा हमारा रिलेटिव मेजर मेथड, ठीक है। दो मेथड है, पहले में हमारा आता है रेंज, दूसरा इसमें आता है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा हमारा मीन डेविएशन, चौथा हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसमें पहला हमारा आता है कॉफिशियंट ऑफ रेंज, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, और चौथा आता है कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस, ठीक है। ये हमारे चार टाइप है, लेकिन हमें जो पढ़ना कितना पढ़ना, हमें कौन कौन से रेंज एक पढ़नी है, रेंज पढ़ना है और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, दो ही चीज़ें पढ़नी है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, आज हम इस वीडियो में रेंज देखने वाले हैं, ठीक है। अगले वीडियो में बात करते हैं स्टैंडर्ड के बारे में, आज हम रेंज के बारे में देखेंगे और कॉफिशियंट ऑफ रेंज, ठीक है, रेंज का क्या, इसका जो कॉफिशियंट है इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अभी तक बने रहिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं रेंज के बारे में, बहुत ही आसान है, बहुत ही एकदम सुपर डुपर एकदम इजी है, आप बस ट्रस्ट करके वीडियो को देखते रहिए। तो जो हमारा रेंज होता है, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का, कोई सीरीज दी गई है, जो सीरीज है हमारे पास उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा रेंज कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास हमने एक सीरीज दे दी आपको 1 2 3 4 5 6, आपके पास मैंने एक यहाँ पे एक सीरीज दे दी है, ठीक है, ये सीरीज दे दी आप, आपको मैंने बोला कि इसका अब रेंज निकालना है, तो आपको रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए इसका जो फार्मूला होता है L माइनस S होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, R इक्वल टू होता है L माइनस S होता है, ठीक है। जो हमारा L है यह हमारा होता है लार्जेस्ट वैल्यू होता है, और जो हमारा S इक्वल टू होता है यह स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, ठीक है। क्या इसमें हमारा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है इस सीरीज में, और हमारा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा आपको इसमें आपको बताना है। तो हमारा जो लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कौन सा है, ये हमारा 6 है, 6 हमारा क्या है, यह लार्जेस्ट वैल्यू है, और जो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है इसमें, 1 हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो क्या करेंगे, अब जहाँ L है L के जगह पे हम 6 रखेंगे, और जहाँ S रहे S के जगह पे हम 1 रखेंगे, तो R इक्वल टू हमारा हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1, ठीक है। तो R इक्वल टू हमारा आंसर जो निकल के आएगा 5, तो ये हमारा 5 जो हमारा रेंज निकला है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो रेंज की डिफिनेशन आपको कोई भी पूछे या एग्ज़ाम में आए तो आपको यही बताना है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और लोएस्ट वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज का फार्मूला लिखा गया R इक्वल टू L माइनस S, R इक्वल टू लिखा गया रेंज, L इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, S इक्वल टू हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू या बोल सकते हैं लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। आइए आपको एग्जांपल से थोड़ा इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक सीरीज दी गई है, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है, तो आपको इसमें रेंज को फाइंड आउट करना है, आपको एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया, आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप छांटेंगे कौन सा हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू है, कौन लोएस्ट वैल्यू है। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा हमारा 15 है, 15 हमारा सबसे छोटा वैल्यू है, तो ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब यस हो गया,
ये हमारा क्या है, यस हो गया। और सबसे बड़ा इसमें कौन सा, 75, 75 हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट वैल्यू हो गया। तो ये क्या करेंगे, यल इक्वल टू 75 और एस इक्वल टू 15 रख लेंगे। तो आर को हमें निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला है आर इक्वल टू एल माइनस एस, तो एल के जगह पे हम क्या रख देंगे, 75, और एस के जगह रख देंगे 15। तो सॉल्व करेंगे, आर इक्वल टू हमारा आएगा 60। तो ये हमारा यहाँ पे अब रेंज निकल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज इसका पहला है, इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं, और इसको हम राइटली जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा तीन यहाँ पे एडवांटेज दिए गए हैं। इसका डिसएडवांटेज दिया गया है कि इसमें हम जो है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। यह क्या होता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के द्वारा अफेक्ट होता है, ठीक है। पहला इसका डिसएडवांटेज ये है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीरीज। जो हमारा सीरीज दी होती है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारा यह जो रेंज होता है या नहीं बताता है, यही इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। इसका एप्लीकेशन है कि क्वालिटी कंट्रोल में इसका यूज़ होता है, शेयर मार्केटिंग में इसका यूज होता है, वेदर फॉरकास्टिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज। जो रेंज आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब मीन्स मीडियन मोड पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या रेंज, उसमें जो मीन होता था, मीडियन मोड निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज होती थी। तो इसी तरह इसमें भी रेंज अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज दी रहेगी तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसमें रेंज, तो उसको हम आगे देखते हैं। तो पहले जानते हैं कॉफिशियंट ऑफ रेंज, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज दोनों साथ में निकालने के लिए पूछा जाता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, आपको वहाँ पे मिलेगा। तो कॉफिशियंट ऑफ रेंज जो होता है, इसका फार्मूला होता है कॉफिशियंट ऑफ रेंज इक्वल टू एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। एल जो होता है हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होती है, एस जो होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऐसे आप इसका फार्मूला आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, थोड़ा इंडिविजुअल सीरीज के लिए देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज जो होती है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज जो होती है, इसमें एक सिंपल डाटा होता है और सिर्फ इसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया रहता है। तो यहाँ पे एक सिंपल डाटा दिया गया है, एक सिंपल यहाँ पे डाटा दिया गया है और एक ही ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कॉफिशियंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जो डाटा दिया गया है, इसमें आपको रेंज फाइंड आउट करना है और इसका कॉफिशियंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, अगर हमें रेंज, पहले हम क्या करेंगे, रेंज को फाइंड आउट करेंगे। रेंज को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लार्जेस्ट वैल्यू खोज लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो वैल्यू कौन सा है, 85 लिखा गया है, तो यल इक्वल टू 85 हो जाएगा। और सबसे छोटी जो नंबर लिखा गया है, 15 लिखा गया, तो ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। तो आपको पता है फार्मूला एल, आर इक्वल टू होता है एल माइनस एस, तो एल के जगह पे हम 85 रख लेते हैं और जो यस इक्वल टू होता है हमारा 15 रख लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो रेंज निकल के आता है 17 निकल के आता है। अब एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है, कॉफिशियंट भी रेंज का निकालना है। तो कॉफिशियंट के लिए मैंने फार्मूला बताया, कॉफिशियंट ऑफ रेंज इक्वल टू होता है एल माइनस एस अपॉन होता है एल प्लस एस। तो क्या करेंगे, जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू रख देंगे, इन दोनों को घटा देंगे और यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू इन दोनों को जोड़ देंगे। तो सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो, अगर इसको हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा कॉफिशियंट रेंज जो निकल के आता है 0.7 निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करने रहेंगे, अगर इंडिविजुअल सीरीज में रेंज और कॉफिशियंट उसका पूछे तो, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने पहले भी बताया था कि डिस्क्रीट जो होती है, इसमें दो ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ए है, दूसरा ऑब्जर्वेशन ए हमारा है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इसमें दो ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं और यह जो होता है अनग्रुप्ड होता है। तो इसको आप दूसरे नाम से जान सकते हैं, अनग्रुप्ड सीरीज है हमारा, ठीक है। इसमें कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, रेंज को फाइंड आउट करना है और इसके कॉफिशियंट को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसमें आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, अपने माइंड में बैठा लीजिए कि क्या करेंगे हम, जब भी डिस्क्रीट सीरीज के लिए जब हम कॉफिशियंट
ऑफ रेंज, और रेंज को फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू है हम एक्स से ही लेंगे, ठीक है, यक्स से ही हम जो वैल्यू है जो नंबर है उसी को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक वैल्यू फ्रॉम एक्स, तो आपको जो वैल्यू लेनी है यक्स से ही लेना है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू सर हमारा 55, तो यल इक्वल टू 55 कर लेते हैं। और जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है इसमें देख लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है, 5 दिख रही है, तो यस इक्वल टू 5 रख लिए। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला जो हमारा होता है आर इक्वल टू एल माइनस है तो यस होता है, तो यल के जगह पे 15 रख लेते हैं, 55 और s के जगह पे रख लेते हैं 5, तो इनको सॉल्व कर देते हैं, घटाते हैं तो r इक्वल टू हमारा 15 निकलता है। तो अभी आपने सिर्फ रेंज को फाइंड आउट किया है, अब आपको इसका कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू होता है l माइनस s अपन एल प्लस एस होता है। तो यल के जगह पे आप क्या करेंगे, 55 माइनस 5 हो गया एस के जगह पे, अपन क्या कर देते हैं यल के जगह 55 और एस के जगह 5, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे और इसको इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट रेंज निकल के आएगा 0.83 है हमारा, यह हमारा डिस्क्रीट सीरीज के लिए, यह हमारा जो दिया गया था डिस्क्रीट सीरीज उसका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो था क्लास इंटरवल होता है और इसमें भी दो ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं, ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन ए हो गया, दूसरा ऑब्जर्वेशन ए हो गया। और मैंने दूसरी बात बोली कि इसमें जो क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल का मतलब होता है 10 to 20, तो इसके बीच देखिए कुछ ना कुछ इंटरवल है, ठीक है, 10 और 20 के बीच कुछ ना कुछ इंटरवल है, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, तो हम पहले भी बताएं अगर आपको क्या करना है कि रेंज और उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको जो वैल्यू है वह आपको यक्स से ही लेना है, ठीक है, ना कि आपको इससे लेना है, ठीक है, आपको हमेशा वैल्यू यक्स से ही लेनी है। तो आप इसमें देख लेंगे, चाहे जो हमारा जो यहाँ पे दिया गया वैल्यू, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 80 है, ठीक है, जो इंटरवल है, इंटरवल में आपको यही देखना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू वही उसी को आपको लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 10 to 20 दिया गया है और 20 to 40 दिया गया है, ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ए हो गई, सबसे छोटी वैल्यू हमारी ए हो गई, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दी गई, 80 दी गई है, तो ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो गई, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दी गई, 10 दी गई है, तो लार्जेस्ट वैल्यू 80 हो गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 हो गई। तो क्या करेंगे, इसका पहले हम क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, ठीक है, रेंज निकालेंगे, तो इसका रेंज निकाल लेते तो रेंज इसका 70 आता है। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं इसमें करना, आपको एकदम बहुत ही आसान, आपको दो फार्मूले याद रखने, पहला हमारा रेंज का, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। तो एग्जाम में यही सिर्फ चीज़ें पूछी ही जाती हैं, ठीक है। तो रेंज, पहले रेंज निकालेंगे फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।